टिकट नहीं करा, हम लोग तो मोदी जी की तरफ से जा रहे हैं। मोदी जी की तरफ से जा रहे हैं, मोदी जी ट्रेनें बुक कर दी आप लोग। सभी लोग आज अयोध्या पहुंचेंगे और सुबह सुबह कल सरयू गंगा स्नान करके सभी लोग जाके रामलला का दर्शन करेंगे। ये बहुत सौभाग्य की बात है। आज हम सबों को आदरणीय ऋतुराज भैया जी के तरफ से हमें मौका मिला है, इसी चंद शब्दों से मैं बोलती हूँ जय श्री राम। क्या मांगिएगा जाके? मांगेंगे यही कि मोदी जी रहे, ऋतुराज भैया सब दिन रहे, ऐसे ही आप ही का सब कुछ दिया हुआ है तो मांगना क्या है, वो तो सब जानते हैं किसको क्या चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। नहीं, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ, मोदी जी आएंगे। नहीं, मोदी जी लड़की सबको जितना बढ़ावा दिए मोदी जी, कोई सरकार नहीं करे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं जा सके, देखिए अब वो लोग रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उस दिन जो है मोदी जी ने आह्वान कहा था कि देखिए अभी जो है भीड़ ज्यादा होगी, नहीं जाना। लेकिन देखिए आज रामलला के दर्शन करने के लिए तमाम महिलाएं हैं और गीत में लीन है, देखिए भजन कीर्तन कर रहा है, कितने उत्साह है, कितनी खुशी है। कभी सोचे नहीं होंगे कि रामलला का दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त तो टीवी पे दर्शन कर पाए थे। अब वो जो है गीत भी सबसे पहले सुनाते हैं, तमाम महिलाएं से बात करेंगे। बात करते हैं, कितनी खुशी है, पूरा झूमते हुए जा रहे हैं आप लोग, गीत गाते हुए जा रहे हैं रामलला का भजन। बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा आपको बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा खुशी है। इतनी खुशी है कि बता नहीं सकते, बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा खुशी है। कभी सोचे थे कि रामलला वहाँ पे विराजमान होंगे? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। लेकिन हाँ, उद्घाटन हुआ जब से दिल में उत्साह था कि कब जाए कब जाए। उद्घाटन हुआ तो उस दिन था, हाँ था, मेरे घर के लोग गए लेकिन हम नहीं जा पाए भीड़ के वजह से। लेकिन विराजमान हो रहे थे उस दिन, देखे थे टीवी? देखे थे हम लोग टीवी पे, देखे थे। हाँ। लेकिन सोचे थे कितना जल्दी जा पाएंगे? इतना जल्दी सोचे कि जाएंगे, अभी तो हुए किए तो जाएंगे ना इसीलिए। अच्छा। लेकिन आज पूरा हो रहा है, आज पूरा हो रहा है। हाँ, जाएंगे थोड़ा देर। टिकट करवाए? हाँ, टिकट नहीं करा, हम लोग तो मोदी जी की तरफ से जा रहे हैं। मोदी जी की तरफ से जा रहे हैं? मोदी जी ट्रेनें बुक कर दी आप लोग दर्शन के लिए? तो मोदी जी की तरफ से जा रहे हैं जल्दी जी की तरफ से। जी, ये आदरणीय ऋतुराज सिन्हा जी के तरफ से, उनके सौजन्य से हमारे पूरे श्रद्धालुओं को ये मौका मिला बख्तियारपुर विधानसभा और खुश और फतुहा विधानसभा मंडल में, कि सारे श्रद्धालु जितने भी राम भक्त हैं उनके सौजन्य से भगवान उनको दीर्घायु करे, उनका हर मनोकामना पूर्ण को, जैसे वो सबके इच्छा के अनुसार वो जानते हैं कि अभी सभी भक्त में राम उत्साह, राम लल्ला को देखने के लिए आंख विचलित हो रही है। उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है कि सभी लोग आज अयोध्या पहुंचेंगे और सुबह सुबह कल सरयू गंगा स्नान करके सभी लोग जाके रामलला का दर्शन करेंगे। ये बहुत सौभाग्य की बात है। आज हम सबों को आदरणीय ऋतुराज भैया जी के तरफ से हमें मौका मिला है, इसी चंद शब्दों से मैं बोलती हूँ जय श्री राम। एक चीज बताइए, जब आप वहाँ पहुँचिएगा तो क्या मांगिएगा रामलला से? क्या मांगिएगा? कुछ तो ख्वाहिशें होगी, क्योंकि आमने सामने दर्शन होगा और जब देखते ही लोग भगवान, जब सामने से दर्शन होते हैं तो कुछ न कुछ मनोकामना होती है, मांगते जाए वही वही बात है, दर्शन हो जाए वही काफी, वही काफी है। सब कुछ तो दे चुके हैं, दे चुके हैं, क्या नहीं दिए? बाल बच्चा पति घर बार तो सब दे चुका हूँ, क्या बच्चा के लिए कुछ मांगिएगा? मांगेंगे ना, लड़की पढ़ाई करे, उनके कृपया से अगर जो जॉब लग जाए अच्छा, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, और इसे क्या मांग सकते हैं। कितनी खुशी है
रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत सोचे थे इतना जल्दी जाएंगे दर्शन करने? नहीं सोचे थे, लेकिन जल्दी में जा रहे हैं। अच्छा, इतना जल्दी क्या मांगिएगा? कुछ तो मनोकामना होगी कि जा रहे हैं, रामलला मिलेंगे सामने से, सामने बातों को रखेंगे। क्या बहुत खुशी है, लेकिन मांगे कुछ मांगिएगा नहीं? हाँ। क्या मांगिएगा? नहीं अपने पास ही रखिएगा। नहीं राजा जी अभी खुश हो रहे हैं, रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। खूब बढ़िया दर्शन करेंगे बुढ़ारी में। अब समय है, सब चीज भगवान करिए दिए हैं, पूरा कोई कमी नहीं है, सब पूरा है भगवान। अच्छा, जिस राम के बारे में आप आज तक चाची सुनते आए होंगे, टीवी पर देखते होंगे, कभी सोचे थे कि रामलला विराजमान होंगे और इस तरह से दर्शन करने जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचे। कभी नहीं? नहीं सोचे। कितना उम्र हो गया चाची? उम्र तो हमारा 70-80 से कम होगा। 70-80 साल हो गया? हाँ था, 80 साल से कम नहीं हुआ है। और राम के प्रति भक्ति है? भक्ति है, हाँ। चलिए और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। कितनी खुशी हो रही है? कह नहीं सकते हैं। कह नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा है। अच्छा, पूरा भजन कर रहे थे? हमको खुशी मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, इसलिए भजन कर रहे थे। अच्छा, ये किसके माध्यम से जा रहे हैं? ऋतुराज के। ऋतुराज करवाए आप लोग के लिए टिकट? ऋतुराज? चलिए जल्दी दर्शन करवा देते हैं। हम लोग का श्रद्धा था कि हम जाएं। कितना बेसब्री से इंतजार था? बहुत, कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। कभी सोचे थे कितना जल्दी दर्शन करें? नहीं नहीं नहीं। क्या कहेंगे चाची, कितनी खुशी हो रही है, रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं? उससे पहले तो भजन गा रहे थे रामलला को लेकर के। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और ऋतुराज भैया का ये तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा सम्मान दिए हमको कि जाने का मौका मिला उनके थ्रू, और ये तो उनका बड़प्पन है कि हम लोगों को जाने के लिए बोले और हम लोग तैयार हुए। नहीं तो आशा नहीं था मन में कि हम लोग जा पाएंगे, और रामलला का जब आँख देखे थे टीवी पे मोबाइल पे तो लगा था कि काश हमको बुलाइए, लेकिन उनकी कृपा हो गई हम लोगों पर और हम लोग जा रहे हैं। रामलला बुला लिए? बुला लिए। टीवी पे देखे थे उस समय आपकी, आप जब देखे होंगे रामलला को तो उसमें कैसा लगा था? बहुत अच्छा, उनका मुस्कुराहट देख के मेरा दिल भाग गया, और उनका आँख देखे तो लगा कि हम उनसे विनती किए कि हे भगवान आप हमको अपने दरबार में जरूर एक बार बुलाइए, हम आपसे दर्शन करना चाहते हैं। सच्ची भक्ति थी मेरी, इसीलिए बुला लिए। सच्ची भक्ति जी जी। अब तो वहाँ जा रहे हैं रामलला, तो आपको आप बुला भी लिए, क्या मांगिएगा जाके? मांगेंगे यही कि मोदी जी रहे, ऋतुराज भैया सब दिन रहे, ऐसे ही आप ही का सब कुछ दिया हुआ है, तो मांगना क्या है, वो तो सब जानते हैं किसको क्या चाहिए। मोदी जी रहे, मोदी जी ही रहे, वही रहेंगे तभी तो मुमकिन होगा हर बात। मोदी जी रहेंगे तभी मुमकिन होगा, क्योंकि वो जितना गरीबों के प्रति लॉकडाउन में और कोरोना में जितना सहायता वो किए, इतना लोगों को वैक्सीन दिलाए, कोई सरकार कभी किसी हाल में नहीं कर पाती। मोदी थे तभी मुमकिन, जितना कड़क व्यवस्था वो कर दिए हैं, बहुत सारे लोगों को जिंदगी बचाए, इसीलिए मोदी जी कहते हैं गारंटी है ना? जी जी गारंटी है। क्या लग रहा है मोदी जी की गारंटी? मोदी जी ही रहेंगे, विरोधी लोग कुछ भी कहे, लेकिन हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। मोदी जी ही रहेंगे। घर घर में मोदी बैठेंगे। देखिए और भी चाची, कितनी खुशी हो रही है चाची? बहुत खुशी हो रहा है, ऐसा बात नहीं, हम तो सोचिए नहीं रहे थे कि अभी हम करी प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि कब बुलाइएगा हमको, मार बुला लिए, बहुत बहुत खुशी है, कितना जल्दी बुलावा हो, बुला मार खुशी हो गया, बहुत खुशी है मन में कि इतना कि हम जल्दी सुन लेंगे, सुन लेंगे। नहीं था, मार बाल बच्चा लेके सबको जा रहे हैं हम, बाल बच्चा सही जा रहे हैं? हाँ, हम दोनों बाल बच्चा के लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत मांगिएगा बाल बच्चा को ले जा रहे हैं, भगवान दे देंगे, मांगने से कुछ मिलता है वो भगवान खुद देखते हैं कि किसको का गति है, तो हम मांगेगा। कहाँ से आ रहे हैं? बाल बच्चा बैरिया से। बैरिया से आ रहे हैं? हाँ, कि बाल बच्चा। इतनी जल्दी उम्मीद था? नहीं था, मगर उम्मीद भगवान बुला लिए, भगवान बुला लिए। कितनी खुशी हो रही है मन में? खुशी, चंदन टीका लगाए हुए भजन कर रहे हैं, मन में पूरा खुशी हो रहा है, पूरा खुशी हो। हाँ, मोदी जी इतना कोई नहीं करेंगे, कोई नहीं करेंगे, नहीं जितना जा रहे हैं। टिकट करवाए हैं कि नहीं? टिकट करवाए हुए हैं। आप करवाएंगे कोई और? नहीं, ऋतुराज। ऋतुराज? हाँ। अच्छा, वो करवा दिए। हाँ। क्या क्या व्यवस्थाएं ट्रेन में? नाश्ता, खाने, नाश्ता मिला। अच्छा। चाय मिला, सब मिला। हाँ, सब कुछ, सब चीज मिल, सब कुछ फ्री में। हाँ, फ्री मिल, रामलला का दर्शन भी फ्री में। हाँ, रामलला के फ्री में मिला। हर हर मोदी, श्री जय श्री राम। अच्छा, हर हर मोदी, जय श्री राम। क्या लग रहा है, लोग जो कहते हैं कि रामलला को लाएंगे, अब जो है ये नहीं आएंगे?
नहीं मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, हाँ मोदी जी आएंगे। नहीं मोदी जी लड़की सबको जितना बढ़ावा दिए मोदी जी कोई सरकार नहीं करे, कोई सरकार नहीं, नहीं जितना पर प्रशासन मोदी जब से आए जैसे लड़की सबको इज्जत बचाए हुए हैं, जितना लड़की सबको इज्जत अभी पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी जितना कोई नहीं करे। बिल्कुल देखिए लड़की भी है, मोदी जी काम कर रहे हैं लड़की के लिए, माता जी कह रही है। हाँ बहुत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपके लिए क्या किया है मोदी जी बताइए? पढ़ने के लिए बहुत सी सुविधा भी दी है। अच्छा। रोड मतलब बहुत लड़के लोग को रोड पे चलने के लिए बहुत ये था तो बहुत सुविधा। आप भी जा रहे हैं रामलला का दर्शन करने? हाँ। उम्मीद था? हाँ, नहीं उम्मीद नहीं था। कितना जल्दी जा पाएंगे? हाँ, टीवी पे देखे थे उस दिन? हाँ टीवी पर भी देखे थे, हम लोग घर पे भी दिवाली मनाए थे, घर पे भी दिवाली मनाए थे। हाँ आज एक बार फिर से दिवाली है आप लोग के लिए तो। हाँ मम्मी के साथ ही जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल देखिए और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे, काफी उत्साह का माहौल है और चल दिए हम भी चल रहे हैं रामलला का दर्शन करने, पर मौका मिला है कि करके बात भी कर रहे हैं लोगों से। कितनी खुशी हो रही है रामलला का दर्शन? बहुत बहुत खुशी हुई। उम्मीद था कितना जल्दी जाएंगे? नहीं उम्मीद तो नहीं था, उम्मीद नहीं था लेकिन बहुत जल्दी जा रहे हैं। जा रहे हैं आपके साथ घर पर? मेरे साथ हस्बैंड है, बेटी है। अच्छा बेटी को भी ले जा रहे? हाँ पूरा परिवार जा रहे हैं। क्या मांगिएगा जब सामने? सुख समृद्धि और क्या आस्था। चलिए तो देखिए तमाम महिलाएं हैं झूमते हुए जा रहे हैं और राम भजन करते जा रहे हैं, रामलला का दर्शन करना है। उत्साह है, खुशी का माहौल है। जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उस समय भी लोगों ने घर में दिवाली मनाई थी, एक बार फिर से इन घरों में दिवाली आ गई है क्योंकि अब वो समय आ गया है जिस घड़ी का इंतजार तमाम लोग कर रहे थे, महिलाएं कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि रामलला हमें बुला ले और अब रामलला ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए इतनी जल्दी जा रही है काफ़ी खुशी में झूमते हुए। आखिर ले कौन जा रहा है उन चीज़ों को लेकर के भी तमाम महिलाओं से आप सुन रहे थे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।